नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पथरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोतराई की एक मस्जिद से 11 मौलवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के मुखिया के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। यह 11 मौलवी भोपाल के बतलाए जाते हैं। धारा 188 के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इनको चिकित्सकीय परीक्षण के पश्चात क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर है और पथरिया के बोतराई ग्राम की मस्जिद से 11 मौलवियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि मार्च माह के प्रथम सप्ताह में यह मौलवी यहां आए हुए थे। वह पथरिया थाने के समीप की मस्जिद में लंबे समय तक रुके और वहां से वह चले गए दूसरी अन्य मस्जिद में। फिर वह पहुंचे बोतराई की मस्जिद में वह छुपे हुए थे। वह जो वहां पर अपने उद्देश्य को लेकर आए हुए थे, उस उद्देश्य को धीरे धीरे पूरा कर रहे थे। यहां पर सूचना मिलने पर कार्रवाई हुई और यहां पे जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के जो मुखिया हैं उनके निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि इस बात को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि जो दोषी अधिकारी हैं उन दोषी अधिकारियों को चूक के लिए फटकार भी लगाई गई है। सूत्र बतला रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है दोषी अधिकारियों के विरुद्ध भी। फिलहाल में इन 11 मौलवियों के विरुद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और इनको क्वारंटाइन करने के लिए भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश के दमोह से एक बड़ी खबर है। पथरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोतराई की मस्जिद से 11 मौलवियों को गिरफ्तार किया गया है। मार्च माह के प्रथम सप्ताह के यह यहां पर रुके हुए थे।